नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रीति। ज्योतिष के मुताबिक जब चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण और उत्तरा भाद्रपद और पूर्वा भाद्रपद रेवती और सतबिसा नक्षत्र के चारों चरणों में भ्रमण करता है तो पंचक काल शुरू होता है। आपको बता दें कि ज्योतिष में पंचक काल को बेहद अशुभ माना गया है, लेकिन राज पंचक को शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि आज यानी 23 जनवरी से ये राजपंचक शुरू हो रहे हैं। ये पंचक काल 23 जनवरी से 27 जनवरी तक रहेगा। राजपंचक में किए हुए कार्य राजसुख प्रदान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस योग में राज्यभिषेक होता था। वैदिक पंचांग के अनुसार पंचक 23 जनवरी सोमवार के दोपहर 1:52 मिनट से शुरू हो चुका है, क्योंकि इस समय धनुष नक्षत्र चंद्रमा कुंभ राशि में विराजमान है, इसलिए 24, 25 और 26 को पूरे दिन पंचक का प्रभाव रहेगा। वहीं 27 जनवरी शुक्रवार को पंचक शाम 6:37 मिनट पर समाप्त हो जाएंगे। शास्त्रों के अनुसार पंचक पर 5 प्रकार के होते हैं। रविवार के दिन जो पंचक शुरू होते हैं उनको लोक पंचक कहते हैं। वहीं सोमवार को आरंभ होने वाले शास्त्रों में राज पंचक कहलाती है। मंगलवार के दिन शुरू होने वाले पंचक को अग्नि पंचक कहा जाता है। वहीं बुधवार और गुरुवार के दिन लगने वाले पंचक को दोष मुक्त पंचक माना गया है। शुक्रवार के दिन होने वाले पंचक काल को चोर पंचक कहते हैं। साथ ही शनिवार के दिन होने वाले पंचक काल को मृत्यु पंचक कहा जाता है। इसमें राज पंचक सबसे बेहद शुभ होते हैं। ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार राज पंचक में धन और संपत्ति से जुड़े कार्य को करने में सफलता मिलती है, मतलब आप इस समय प्रॉपर्टी खरीद बेच सकते हैं। वहीं इस समय प्रशासनिक और सरकारी कार्य भी कर सकते हैं, लेकिन पंचकों में कुछ काम करने से मनाही होती है, जैसे घर का निर्माण नहीं करना चाहिए, दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करना चाहिए, चारपाई बनवाना शुभ नहीं होता। पंचक काल में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अशुभ मानते हैं। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल।